हाय गाइस, आई एम सांचा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम हैं गीक्स फॉर गीक्स के ऑफिस में। अगर तुमने कभी भी गूगल पे कुछ भी कोडिंग रिलेटेड सर्च किया है तो फर्स्ट वेबसाइट जो पॉपअप कर रहे हो गीक्स फॉर गीक्स होगा। अगर तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो वो भी तुमने पक्का गीक्स फॉर गीक्स के बारे में सुना ही होगा। तो आज एक बार इनके ऑफिस आए थे, अब जा रहे हैं ऑफिस टूर करने। तुम्हें लोगों से मिलवाते हैं कि एक्चुअली एक स्टार्टअप में, बूटस्ट्रैप स्टार्टअप में काम कैसे होता है, लोग क्या क्या काम वगैरह कर रहे होते हैं। तो चलो, सो वी हैव दिव्यांश विद अस। तो हमें पूरा ऑफिस दिखाने वाले हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स वगैरह यहाँ पे हैं, काम वगैरह कैसे होता है। सो यहाँ पे हमारे कोर्सेज टीम के लोग बैठते हैं, बेसिकली मेंटर्स, एसोसिएट मेंटर्स, वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स एंड ऑल। एंड इधर पूरा सेक्शन वीडियो एडिटर्स का ही रहता है। ओके ओके। बेसिकली आगे जाके हमारे वो केबिन्स हैं जिसमें मैनेजर्स हैं जो हैंडल करते हैं मेंटर्स एंड वीडियो एडिटर्स। सो दिस सेक्शन इज फॉर कॉर्पोरेट प्लेसमेंट। ओके। दोज हैंडल्स द यू नो हायरिंग फॉर मल्टीपल एमएनसीज एंड थर्ड पार्टी हायरिंग एंड ऑल। सो कोर्सेज वाला पोर्टल तुमने पक्का देखा हुआ होगा। इसके अलावा तुमने जो जॉबथॉन वगैरह है, तो कॉर्पोरेट हायरिंग मतलब जो आप अपने लिए हायर कर रहे होते हैं या फिर जो दूसरे कंपनीज के साथ हम करते हैं उनका। गॉट इट। तो नाउ वही जॉब पोर्टल, जॉब हायरिंग वाली चीज, वो वाली टीम वहाँ पे है, राइट? ओके। एंड इस साइड कौन बैठा हुआ है? ये पूरा सेक्शन आपका कंटेंट का सेक्शन आता है, वेब एंड कंटेंट एरिया, आर्टिकल राइटिंग एंड पोर्टल राइट बेसिकली। राइट राइट राइट। या तो एक हमारे यहाँ पे दोस्त है, ये अपने इनको लिंक्डइन पे देखा होगा फॉर श्योर। सो ही इज अंकित एंड इन्होंने अपनी पूरी जर्नी अभी फराज के चैनल पे शेयर करी थी एंड बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग जर्नी है, बहुत ज़्यादा। एंड अभी आई वाज सिटिंग देयर, तो सामने से आए एंड मैंने तो पहचान लिया, उन्होंने पहचान लिया। तो कुछ भी शेयर करना चाहोगे भैया को फॉलो करो और डीएसए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में बोल दो। नहीं हमारा मार्केटिंग का, ब्रांडिंग एंड कोलैबोरेशन का है। यहाँ पे पार्टनरशिप एंड अलायंसेस टीम भी रहती है। बेसिकली ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कम्युनिटी एंड पार्टनरशिप, ये सारे साथ मिलके ही काम करते हैं। ये सारा हमारा नॉन टेक टीम, बेसिकली फन मोमेंट भी है यहाँ पे काफी। ये इसी टीम को मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन इसी टीम के साथ होता है। आशीष, इंट्रोड्यूस करना अपने आपको। हे गाइस, आशीष चटर्जी। तो निशांत भाई के साथ हम लाइक अभी लगभग एक साल हो गए ना साथ में काम करते हैं, राइट? तो भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। आज फर्स्ट टाइम लाइक भाई के साथ ना मिलके बहुत खुशी हुई। ये इसमें से कोई भी पेड़ नहीं है, अपने आप ही बोल रहे हैं। और यहाँ पे हमारे कर्ता धरता सीईओ। हेलो सर। सो संदीप सर के साथ हमने एक पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड किया है, तो वो दूसरे चैनल पे आएगा, तुम जाके देख सकते हो। सर, आपकी कुछ एक या दो एडवाइसेज हों फॉर स्टूडेंट्स हु आर करंटली इन अ टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज, जो अभी प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या होंगी वो? यार देखो, कोडिंग में टाइम लगता है एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको अगर जल्दी से लगता है ना कि मैं 2 महीने करके निकाल लूँगा तो बहुत मुश्किल होता है। 2 महीने करके निकालना है तो बहुत 10-10, 15-15 घंटे करना पड़ेगा, लेकिन गारंटी फिर भी नहीं होती। उसके बाद भी प्रॉबिलिटी 1 कभी नहीं होती, वो प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देने से ही बढ़ती है। तो रिजेक्शन मिले तो तैयार रहना। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर आज, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से गीक्स फॉर गीक्स को लाइक फॉलो किया है, पढ़ा है, पूरा प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किया है, आर्टिकल्स पढ़े हैं एंड मीटिंग द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गीक्स फॉर गीक्स मेरे तो एक अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपने अपना जो जर्नी की स्टार्ट थी लाइक आफ्टर एमटेक डीशो से करी, तो उसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है दैट हैज़ ग्रोन मल्टीपल फोल्ड्स, राइट? कि बहुत सारी एमएनसीज और इंडिया में आई हैं, बहुत अपने डेवलपमेंट सेंटर्स ओपन कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नेक्स्ट 5 years, 10 years में? देखो यार, मैं इस इंडस्ट्री को 2004 से देख रहा हूँ और 2004 से 2022 आ गया है। एक चीज़ बिल्कुल कॉमन रही है कि सब डीएसए पूछते हैं। मेरे टाइम पे जो इंटरव्यू होते थे वो भी वही मर्ज सॉर्ट के वेरिएशन, वही स्टैंडर्ड स्टैक के क्वेश्चंस, जो स्टॉक स्पेंड प्रॉब्लम है उसके वेरिएशंस। सो कंपनीज डू स्टिल आस्क द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस। दिस थिंग हैज़ नॉट चेंज एंड आई फील लाइक दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू चेंज इन द अपकमिंग ईयर्स, क्योंकि अभी गूगल भी वही अभी भी पूछता है। पहले कोई कंपनी चेंज करेगा तो गूगल करेगा एंड अदर कंपनीज विल टेक टाइम टू फॉलो दिस। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके टाइम जब तक आप कुछ एक्सपीरियंस ले रहे होगे तब तक ये चेंज नहीं होने वाला है। और एक जो मैंने देखा है, टेक्नोलॉजी आते जाते रहते हैं। 2007 में जब मैं एमटेक कर रहा था तो सब लोग बोलते थे यार एंड्रॉयड का ज़माना आ गया है, एंड्रॉयड से बहुत सारे स्टार्टअप भी बने लाइक पेटीएम, ओला, दीज आर ऑल एंड्रॉयड बेस्ड कंपनी। अभी लोग ब्लॉकचेन, डेटा साइंस से भी काफ़ी सारे स्टार्टअप बन रहे हैं। लेकिन अगर हम जॉब की बात करें या एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा डीएसए ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज़ चेंज नहीं हुई है।
और वो फ्यूचर में चेंज भी नहीं होने वाला है. गुड प्रोग्रामर्स, गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड. हर कुछ साल में नई लैंग्वेज आ जाती है, बट अभी भी हम वही पुरानी चीजें पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में. वो बहुत बड़ा चेंज है, बट फॉर्चुनेटली नाउ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, यूट्यूब, स्टूडेंट्स जो लर्नर हैं दे आर डूइंग गुड. एंड जो मैंने चीज बोली कि टीयर 3 और IIT में गैप आ गया है, अभी वो गैप कम हो गया है, कम होता जा रहा है. वो इसी वजह से हुआ है कि यार अगर आप किसी भी कॉलेज में हो, आप अगर वो आपका चैनल फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई और चैनल फॉलो कर रहे हैं, कोई रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं, भी इतने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, सो दे कैन एक्चुअली ब्रिज दैट गैप एंड दे कैन रीच द पॉइंट वेयर दे शुड बी. राइट. ये जो आपने चीज बोली काफी सही बोली कि अब नॉलेज दोनों के पास सेम अवेलेबल होती है. अब इट इज लाइक कि तुम कितना ज्यादा उस चीज को यूज कर पा रहे हो. एक टीयर 3 स्टूडेंट और एक IITian में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. वो बस एक एग्जाम हो सकता है उसका, उस दिन खराब गया, उसने नहीं पढ़ा 11th 12th में. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम वो 4 साल अच्छे से पढ़ लेते हो, क्योंकि कंपनी ने तो वही DSA पूछना है और ये लैंग्वेज रिलेटेड चीज़ें पूछनी है, उन्होंने तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पूछना है, तो तुम किस कॉलेज में उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ ही बहुत ज़्यादा मिल जाती है. हायरिंग तुम्हारे कॉन्टेस्ट बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, लिंक्डइन पे तुम रेफरल वगैरह ले सकते हो. ये चीज़ अब है ही नहीं, बैरियर ही नहीं है ये वाला. और IITs भी IITs इसलिए हैं क्योंकि वो वहाँ पर स्टूडेंट्स अच्छे हैं. मैंने IIT भी देखा है, एक खराब कॉलेज भी देखा है, एक कॉलेज में पढ़ाया भी है. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ स्टूडेंट्स. ऐसा बहुत स्पेशल वहाँ के प्रॉब्लम नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत वो स्पेशल पढ़ा रहे हैं. इट्स जस्ट मोस्टली वो मुझे भी जो एक स्टार्टअप का आया आ गया और मुझे भी स्टार्टअप करना है बिकॉज आई सॉ सम क्लासमेट्स दे वर डूइंग वेरी वेल एंड आई वॉज जस्ट डूइंग योर जॉब. तो वो एक स्टूडेंट्स की वजह से ही पूरा बिल्ट है IIT का कल्चर भी. एक अच्छे कॉलेज में बस यही होता है कि तुम्हें जो आसपास वाले लोग हैं, पीयर ग्रुप होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड तुम्हें मिल जाता है. वो कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं एंड तुम्हें अगर कुछ करना होता है ना, तुम्हें लगता है कि यार ये कर रहा तो मैं भी कर सकता हूँ. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज. और कुछ डिफरेंस नहीं है, यही एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि आसपास वाले लोग तुम्हें और मोटिवेटेड मिल जाते हैं अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में जाते हो. बट अगर तुम खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो, तुम्हारे कॉलेज से इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज सेम ही अवेलेबल है. और आप बस अपना ग्रुप अच्छा बना लो. आप थोड़े ऐसे लोग पिक कर लो जो वो वाले नहीं हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या आपको बार बार कह रहे हैं ये करते हैं वो करते हैं. जो अच्छा ग्रुप है, जो फोकस है, आप उनके साथ करो तो अच्छा हो जाएगा. दिस इज द 8th फ्लोर. 2 फ्लोर से अभी गीक्स फॉर गीक्स के एंड इस फ्लोर पे भी शिफ्ट होने वाले हैं. यहाँ पे हम शिफ्ट होने वाले हैं. बेसिकली सॉफ्टवेयर टीम यहाँ पे बैठने वाली है पूरी. यहाँ सेल्स एंड सॉफ्टवेयर, आज सेल्स आई नहीं थी जैसा कि आपने देखा. एंड एक सेक्शन हमने एक्सप्लोर भी नहीं किया जो ऑपरेशन एंड HR का था, बट यहाँ पे पूरी सॉफ्टवेयर टीम बैठेगी. सॉफ्टवेयर में 3 पार्ट है जैसे आपको पता है. राइट स्क्रिप्ट एंड सो यहाँ पे हम अलग अलग केबिन्स भी बना रहे हैं जिसमें लाइक हमारा शूट भी होगा. ओके. सो काफ़ी सही ओपन स्पेस है ऑफिस की, तुम किसी से भी जाके इंटरेक्ट कर सकते हो जब तुम्हारा दिल करे. एंड ऐसे क्लोज केबिन्स वाला क्यूबिकल्स वाली चीज़ नहीं है क्योंकि काफ़ी सही रहती है. राइट. वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज की कल्चर जो हमने मेंटेन करा है. सो You'll get to know ki how we are working in a very fun environment. That is the best. This section is HR section and yahan pe hamare admin and operations ke log bhi baithte hain. And the last one is the PMO, project manager. So fun ke liye kya hai office mein? फन के लिए एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज भी है. इस बार तो काफ़ी फन DJ के साथ. सो हमें DJ पार्ट हुआ आ गया दोस्त. काफ़ी सही, काफ़ी सही. तो इंजीनियरिंग टीम्स वगैरह कहाँ पर बैठी हुई आपने दिखाया था? सॉफ्टवेयर के पास चलते हैं. बताओ कि लाइक हाउ डज इट फील टू पहले गीक्स फॉर गीक्स से पढ़ा एंड फाइनली यू आर वर्किंग एट गीक्स फॉर गीक्स. सर जो वर्क रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हमें नई नई चीज़ों पर काम करने को मिलता है एंड डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी हम करते हैं उसमें सीखते नहीं हैं. और जो जीव जीवन सीखा हुआ है अभी कर रहा हूँ. क्या नाम है? माय नेम इज साई प्रताप सिंह. तो आपको कैसा लग रहा है इसमें? अमेजिंग लग रहा है. यहाँ पर आकर पहले हम जब कॉलेज में थे तो हम बहुत प्रॉब्लम्स करते थे, POTD करते थे. तो अब इतना अच्छा लगता है कि खुद POTD पे वर्क कर रहे होते हैं. जब न्यू फीचर्स लेके आते हैं तो मतलब एक खुद मोटिवेट, जहाँ से मोटिवेशन मिली, जहाँ से संदीप सर को देख के कितना मोटिवेशन मिला और उनके साथ ही काम कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मजा आता है यहाँ काम करके बहुत. और जैसे आप आते हैं सब देख के उनको भी मोटिवेट होते रहते हैं कि सब आते हैं यहाँ पर मिल के जाते हैं. और पहले ड्राइवर सर आए थे, उन्होंने भी बहुत मोटिवेट हुए. उनसे भी मिलते हैं पर्सनली, आकर मिलते हैं वीडियो के बाद, कंटेंट के बाद, तो बहुत अच्छा फील होता है यहाँ. काफ़ी अच्छा.